पहले यह मान कि जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं या तो फिर लेफ्ट हैंड से लिखना अपशगुन होता है, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। यदि आप लेफ्ट हैंडेड थे या फिर हो तो आपने यह एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको समटाइम्स भेदभाव का भी सामना करना पड़ा होगा, आप में भेदभाव किया जाता होगा, मैं भी शायद किया जाता हो, क्योंकि यह पहले की बात है। और कुछ लोग अच्छे समाज से बिलोंग करते होंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। यदि ऐसा हुआ होगा तो आपको यह हमेशा कहा जाता होगा कि बेटा लेफ्ट हैंड से लिखना खाना या फिर कोई भी आप लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हो छोड़ दो, राइट हैंड से करना शुरू करो। इसी चक्कर में आपको कभी कदाल मार भी पड़ गई होगी, लेकिन फ्रेंड्स अब ऐसा नहीं है, अब बदल चुका है सब कुछ। और पहले तो यह भी माना जाता था कि जो लेफ्ट हैंड से लिखता है उसके ऊपर भूत चुड़ैल या फिर किसी आत्मा का साया है, ऐसा माना जाता था पहले के लोग ऐसा माना करते थे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, अब तो इसके ऊपर कई सारी थियरीज बन गई हैं कि हम लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, हम लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं, क्यों सब लोग लेफ्ट हैंडेड नहीं होते, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 10% लोग लेफ्ट हैंडेड है यानी कि लेफ्टी है। सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जानेगा इंडिया तभी तो मानेगी दुनिया। हाल ही में एक रिसर्च की गई, उसमें यह पता चला कि आप दाएं हाथ से लिखते हो या बाएं हाथ से, इससे आपका दिमाग का कोई लेना देना नहीं है, उससे आपकी इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो हमारे जन्म से ही निश्चित हो जाता है कि हम किस हाथ से लिखेंगे या फिर किस हाथ का हम लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे। 2017 की एक रिसर्च में यह पता चला कि हम चीज कोई भी हाथ से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, इसका फैसला स्पिनल कोड करती है, ना कि दिमाग। जी हाँ, स्पिनल कोड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मेरुदंड कहते हैं। इस थियरी के पहले यह माना जाता था कि 1980 में बहुत सारी रिसर्चेस की गई इसके ऊपर, तब हमें यह पता चला था, यानी कि कहा गया ऐसा उन रिसर्च में यह साबित हुआ था कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला ब्रेन, वो हमारे बॉडी पार्ट का राइट हिस्सा कंट्रोल करता है, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला ब्रेन कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला ब्रेन राइट हैंड करता है, और राइट हेमिस्फीयर वाला ब्रेन लेफ्ट हैंड करता है। तो पता ये चला था कि जो हिस्सा आपका इन दोनों हेमिस्फीयर में से स्ट्रॉन्ग होगा, उस प्रकार से आप हैंड का यूज़ करोगे, यानी कि अगर आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग राइट हैंड का इस्तेमाल करोगे, और अगर आपका राइट हेमिस्फीयर स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करोगे। हालांकि आगे चलकर अभी हाल फिलहाल की रिसर्च जो 2017 में हुई, उस रिसर्च में इस थियरी को नकार दिया गया। इस रिसर्च में यह साबित हुआ कि हमारे मेरुदंड निर्धारित करते हैं कि हम किस हाथ से लिखेंगे, यह हमारे भ्रूण से पहले ही निर्धारित हो जाता है। जन्म से पहले ही बच्चे का लेफ्टी या राइटी होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। साइंटिस्टों ने 13 वीक के कुछ एम्ब्रॉयस का अध्ययन किया और उन्हें यह पता चला कि 8 से 13 वीक के जो बच्चे होते हैं या तो जो एम्ब्रॉय होते हैं, वह अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। वह या तो अपना राइट या तो अपना लेफ्ट अंगूठे में से किसी एक को चूसते हैं। इससे यह डिटरमाइन हो जाता है, यदि वह लोग राइट अंगूठा चूस रहे हैं तो उनका जो हैंड यूज होगा वो राइट होगा, यानी कि वो लोग राइटी बनेंगे, यदि वो लोग लेफ्ट चूस रहे हैं तो वो लोग लेफ्टी बनेंगे। यह सब जन्म से पहले ही निश्चित हो जाता है। हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो हमारे चलने फिरने और मूवमेंट को रेगुलेट करता है, उसे हम मोटर कोर्टेक्स कहते हैं। यह हिस्सा भ्रूण में 15 हफ्ते के बाद ही विकसित होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वह हमारे बॉडी के बहुत सारे मूवमेंट को रेगुलेट करता है, और जो ये स्पाइनल कॉर्ड है वह हमारे मोटर कॉर्टेक्स से कनेक्टेड होती है और हमारे बॉडी के मूवमेंट को रेगुलेट करती है। इसका अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ कि यह किस तरीके से रेगुलेट होता है, तो आप एक एग्जांपल में लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो या तो फिर आप बाइक चला रहे हो, अचानक से कोई सामने आ गया तो आप अचानक से ब्रेक मारोगे। वह ब्रेक मारने का सिग्नल जो गया वो आपके ब्रेन ने नहीं दिया है, आपके स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेक मारने का सिग्नल दिया है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से भी ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। इसी आधार पर अब ये माना जाता है कि जो हमारे लेफ्ट या राइट हैंडी होने का जो कारण है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। और यह बात हमारे जन्म से पहले ही निश्चित हो जाती है, और इसमें कुछ जीन्स का भी लेना देना होता है, लेकिन वह सब बहुत ही अलग केस है। उसको अगर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करें तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो इन डिटेल, तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। बट फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।